बुलंदशहर के शिकारपुर में कोतवाली पुलिस ने नवंबर यातायात माह को लेकर अभियान चलाया हुआ है। सघन चेकिंग अभियान जिसमें कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा की अनोखी पहल रविवार को देखने को मिली। जांगीराबाद चुंगी पर दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों की तलाशी की गई तथा डग्गे मार वाहनों चालकों को भी हिदायत दी गई। चेकिंग के दौरान लोगों के सिफारिशों में खूब घनघनाए फोन, लेकिन कोतवाली प्रभारी ने फिर भी किए चलान। कहा, यह महीना यातायात का महीना होता है, इसमें हम लोग प्रशासन शासन के नियमों का पालन करते हैं, बिना कागजात के वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान काटते हैं। साथ ही कोतवाली प्रभारी ने लोगों को ट्रैफिक नियमों से संबंधित टिप्स भी दिए और कहा कि जो लोग बिना कागजात के वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बेवजह किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। कुछ लोग ग्रामीण अंचल से जल्दबाजी में बिना कागजात लेकर ही शहर में जरूरी कार्य से आए थे, उन्हें पकड़कर हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया और उनसे कहा गया कि भविष्य में वाहन के साथ पूर्ण कागजात अवश्य रखें, जिसमें पुलिस की अनावश्यक कार्यवाही से बचा जा सके। इस दौरान कई वाहनों का चालान काटा गया व 5500 रुपए का नगद सम्मान शुल्क वसूला गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा ने 11 हेलमेट पहनाकर लोगों को जागरूक किया। पुलिस द्वारा चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। दोपहिया वाहन चालकों में खलबली मची रही तथा वाहनों को इधर उधर से निकलते देखा गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, दुर्घटनाओं से बचने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। सर, आज जंगीराबाद चुंगी पे जो चालान किए जा रहे हैं उसके साथ आप हेलमेट दे रहे हैं, क्या है? यातायात वहाँ चल रहा है, उसमें हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है लोगों को, जो बिना हेलमेट के चलते हैं, बिना सीट बेल्ट के चलते हैं, तीन से बच चलते हैं, उसमें हम लोगों को जागरूक करें। उन्हें निःशुल्क हम लोग कुछ लोगों को हमने हेलमेट देकर हिदायत दी है और यही है कि दुर्घटना से बचा जाए।